अगर आप भी पेटीएम पेमेंट बैंक की किसी भी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को तगड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। RBI ने कंपनी को ये भी आदेश दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। आसान भाषा में रिजर्व बैंक के इस आदेश का मतलब समझें तो पेटीएम पेमेंट बैंक से पेटीएम वॉलेट साथ ही फास्टैग में 29 फरवरी के बाद पैसे नहीं डाले जा सकेंगे। हालांकि जो भी पैसे बैंक में जमा है वो निकाले जा सकते हैं। साथ ही नए आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। हालांकि पेटीएम का UPI फिर भी चलता रहेगा। वहीं कंपनी के मौजूदा ग्राहक अपने खातों से पैसों का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के कर सकेंगे। चाहे पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर फास्टैग कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल पहले की तरह ही किया जा सकेगा। RBI ने साफ किया है कि इस पर तारीख की कोई भी पाबंदी नहीं है। ग्राहकों के खातों में जितना पैसा है उसे वे अपने मुताबिक किसी भी तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक की सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की, जिस वजह से यह एक्शन लिया गया। दरअसल RBI ने मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को आदेश जारी किया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश था। नया आदेश उसी आदेश का पालन करवाता है।